वैक्सीन, कोरोना का सुरक्षा कवच, कोरोना की महामारी से बचने का फॉर्मूला। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने जिंदगी की बूंदें बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। ऐसे में वैक्सीन की दोनों डोज मिलने के बाद किसी किसी को संक्रमण क्यों हो जाता है? इस सवाल का जवाब जानना सबके लिए जरूरी है, ताकि वैक्सीन वाली झिझक से हम दूर रहें। वैक्सीन लगाने से हम सीवियर डिजीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज, नॉट इन्फेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी जो हमें प्रोटेक्शन देगी कि अगर हमें कोविड हुआ तो हमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हमें आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा और हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अगर हमें वैक्सीन लगा है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए तो हमारे गले और नाक में भी वायरस आ सकता है, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वैक्सीन के कारण, वो इस वायरस को आगे बढ़ने नहीं देगी और हमारे को डिजीज की सेवेरिटी को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी और माइल्ड डिजीज ही होगी, अब डिजीज होगी ही नहीं। लेकिन हम इन्फेक्शस होंगे क्योंकि हमारा आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव होगा और हम ये वायरस किसी और को दे सकते हैं जिसको वैक्सीन नहीं लगी हो, जो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीवियर डिजीज, यू कैन स्टिल गेट इन्फेक्शन और आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हो। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं लेकिन आप, हम ये नहीं चाहते कि आपके घर के और किसी व्यक्ति को आपके कारण कोविड हो जाए। यानी वैक्सीन बीमारी के लिए है न कि संक्रमण के लिए। अगर दोनों डोज ले चुका व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस पर संक्रमण का असर गंभीर नहीं होगा। आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज के बावजूद कोरोना हुआ। आंकड़ों के अनुसार प्रति 10,000 वैक्सीन प्राप्त लोगों में से 2 से 4 लोग ही संक्रमित हो रहे। 21 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार 1,10,00,000 लोगों को कोवैक्सीन लगी है। इनमें 93,00,000 को पहली डोज मिली है, जिसमें 4,208 को संक्रमण हुआ यानी 0.04%। 17,00,000 को दोनों डोज मिल चुके हैं, जिनमें से 695 संक्रमित हुए, ये भी 0.04% ही है। कोविशील्ड के आंकड़े भी देखिए, करीब 10 करोड़ लोगों को पहली डोज मिली है, जिनमें से 17,145 लोग संक्रमित हुए, ये कुल संख्या का 0.02% है। 1.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं, जिनमें से 5,014 लोग संक्रमित हुए, जो कि कुल संख्या का 0.03% है। यह एक और सवाल है जिसका जवाब जरूरी है। अगर वैक्सीन की पहली डोज के बाद किसी व्यक्ति को संक्रमण हो जाए तो क्या दूसरी डोज लेने की तारीख पर असर पड़ता है? कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि एक डोज के बाद अगर उनको वो पॉजिटिव हो गए हैं यानी एंटीबॉडीज बन रही हैं, सेकंड डोज की टाइमिंग में कोई फर्क पड़ता है या आप लोग अपनी नॉर्मल टाइम को फॉलो कर? अभी इस टाइम पे हमारे पास कुछ रिसर्च नहीं है इस मामले में। हाँ, एंटिसिपेट करते हैं कि अगर आपको पहले प्राइमिंग एक डोज से हो गई है और आपको बीमारी हुई तो ये आपकी एंटीबॉडीज बढ़ जानी चाहिए और शायद आपको सेकेंड डोज की ज़रूरत ना पड़े। बट इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, इन केस का स्टडी करना पड़ेगा ओवर टाइम के एंटीबॉडीज कितनी हैं, कैसे कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सो आज की डेट पे ये है कि अगर आपको हो भी गया है तब भी आपको डोज लगानी है, सेकेंड डोज लगानी है, पर वो जरूर है कि बीमारी होने के कुछ समय के बाद लगवाएं, इमिजिएटली उसके बाद ना लगवाएं। अब फर्स्ट डोज के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी एंटीबॉडीज बनेगी, उसको प्रोटेक्शन अच्छी मिलेगी, इसलिए वो अपना सेकेंड डोज जो है वो डिले कर सकता है, 6 हफ्ते या 3 महीने बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि तब तक वो रिकवर भी कर जाएंगे इन्फेक्शन से और उनको कुछ हद तक तब तक प्रोटेक्शन भी मिलेगा जो इन्फेक्शन होने से एंटीबॉडीज बनी। कोरोना से लड़ना है इसीलिए वैक्सीन की झिझक को मन से हटाना है, डरना नहीं, इस मुहिम से जुड़ना जरूरी है। श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।